देख रहे हैं जनदल का, मैं हूँ एम एस निर्मल। इस समय हम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक जो चल रही है उसमें पहुँचे हैं, और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली बदलाव रैली की तैयारियों के सिलसिले में बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, लोगों को न्यौता दे रहे हैं। इस समय इंद्री की अनाज मंडी में पहुँचे हुए हैं और यहाँ लोगों से, व्यापारियों से और आम व्यक्तियों से संपर्क कर रहे हैं। ये जो रैली है वो किन मुद्दों को लेकर के रहेगी, और इस रैली से हरियाणा में, क्योंकि बदलेगा हरियाणा के नाम से ये रैली है, कितना बदलेगा और लोग कितने तैयार हैं बदलने के लिए, इन सब बातों को लेकर के आम आदमी के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे, उनसे हम राय मशवरा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सुनिएगा क्या कह रहे हैं ये लोग और क्या इनकी नीतियाँ हैं। आप देखते रहिए जनदल का, हम आपसे मिलवाएंगे। ये देखिएगा बैठक चल रही है और ये बैठक का दृश्य है, बैठक का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा लाइव जनदल का पर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा बदलेगा कि जो बात हो रही है वो कितना बदलेगा और किन मुद्दों को लेकर के बदलेगा, इन बातों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के ये चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के इंद्री हलके के पदाधिकारी हैं और वो लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं इस रैली में जाने के लिए। हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं और क्यों रैली में जाएंगे, हम जानना चाह रहे हैं। वेद प्रकाश जी, ये जो रैली है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? 29 मई को कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसका नाम है अब बदलेगा हरियाणा। और 1966 में हरियाणा का निर्माण होने के बाद किसी भी पार्टी ने हरियाणा के युवा और नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए अब हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। और कुरुक्षेत्र में 29 मई को होने वाली रैली से हरियाणा में बदलाव का आगाज़ किया जाएगा और हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी इस रैली को संबोधित करेंगे, इस रैली को संबोधित करेंगे। आगाज होगा, वो आगाज क्या होगा, युवाओं में कितना जोश है, युवाओं में कितना इस बात को लेकर उत्साह है, ये भी जानना चाहेंगे कि युवा मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? इस रैली के लिए युवाओं में इतना जोश है, युवा बढ़ चढ़ कर 29 मई को कुरुक्षेत्र की जो धर्म की नगरी है वहाँ पर पहुँचने के लिए उत्साहित हैं और भारी संख्या में वहाँ पर युवाओं का कट होगा और इस रैली को सफल बनाएंगे और हरियाणा में एक आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपना कुरुक्षेत्र में हरियाणा बदलेगा का नारा लगेगा, वहाँ हरियाणा बदलेगा का नारा लगेगा। इस हरियाणा को बदलने के लिए कितने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो जोशीले हैं, कितने उनमें उत्साह है और कितनी लोगों को उनको विश्वास दिलाया जा रहा है, ये भी जानेंगे। लेकिन ये जो कुरुक्षेत्र की रैली, आपको बता दें कुरुक्षेत्र की रैली आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पहली रैली है, और इस पहली रैली में पहली बार कितने लोगों का हजूम उमड़ पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां जो ये चल रही हैं, ये तैयारियां इस बात को लेकर के हैं कि इस रैली में अधिक से अधिक लोग ले जाएँ और लोगों को इस रैली में ले जाने के लिए प्रेरित करने का जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है। बैठकों के दौर चल रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क अभियान जो निरंतर चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, प्रदेश स्तर के नेता भी इस रैली को कामयाब बनाने के लिए लगे हुए हैं, जिला स्तर के नेता भी लगे हुए हैं और ब्लॉक स्तर के, हल्का स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। इस समय हमारे बीच जुड़ रहे हैं अनिल जी, जो इंद्री हल्के के संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे जानेंगे ये जो आपकी रैली है इस रैली को लेकर के कितने आप उत्साहित हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर के? इस रैली को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। पंजाब बदला, पंजाब के बाद हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा उछाल आया आम आदमी पार्टी को लेकर, और अब जो कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की सभा होगी अब बदलेगा हरियाणा, उसको लेकर सभी साथियों में बहुत उत्साह आया। और उसके बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो पंजाब के बाद जितना बढ़ा उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और सभी लोग इस टाइम जब हम सबसे बात कर रहे हैं हर तीसरा दूसरा व्यक्ति यही बोल रहेगा कि अब की बार हरियाणा में केजरीवाल, अब की बार केजरीवाल। लेकिन ये जो रैली आपने रखी है शायद हरियाणा में पहली रैली है, और इस पहली रैली को लेकर के पूरे प्रदेश के लोग कितने उत्साहित हैं, आपकी पार्टी के नेता कितने उत्साहित हैं, क्या क्या आप लोगों ने रूपरेखा तय की है, जरा छोटी ही बात बताइएगा।
हम जितने भी साथी या कार्यकर्ता ने आज मीटिंग की करी थी, और हम हर जगह जाके डिफरेंट लोकेशन पे लोगों को न्योता भी दे रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं, और सब ने सर्वसम्मति से सब साथी में इतना उत्साह, सब साथी चाहते हैं कि हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, और सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ले जाने का काम वहाँ पर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ले जाने का काम होना चाहिए। कृष्ण जी, कितने साथी जाएंगे, क्या आप लोगों ने कुछ बनाया, तय किया कुछ रुपये का? साथी तो इतनी जाएंगे कि भीड़ हो जाएगी पूरी दबका रैली में। हाँ, इब तो लोग नो कहा इनका उठेगा, आम आदमी का उठेगा, अब तो किसी का कुछ नहीं उठता। सब देख लिए, क्या बीजेपी देख ली, कांग्रेस देख ली, कहा इनका नहीं कुछ उठता, अब तो कहा आम आदमी। और अब हरियाणा बदलेगा 100% नुका, अब तो रैली में बढ़ चढ़ का लोग आने ने तैयार है, रैली में लोग आने को तैयार हैं। हरियाणा बदलेगा, बदलेगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियाँ हरियाणा को बदलने की, हरियाणा के हालात बदलने की, हरियाणा की व्यवस्था की बदलने की हो रही हैं। ये व्यवस्था कितनी बदलाव हो पाएगी, कितनी उम्मीद आपको? पूरी उम्मीद है जी। आप देखोगे जैसे ही कुरुक्षेत्र के अंदर बदलाव की रैली गया, हरियाणा बदलाव रैली का नाम दिया गया, और उसके अंदर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देखोगे कुरुक्षेत्र के अंदर टेंट का काम एक हफ्ते पहले ही चालू हो चुका है, उसके अंदर 70 से 80 हज़ार और 1 लाख तक की कुर्सियाँ लगेगी, और लोगों के अंदर इतना जुनून है कि खुद कह रहे हैं कि अपने पैसों से रैली के अंदर जाएंगे। जबकि आपको देखोगे दूसरी रैली के अंदर लोग पैसे लगाते हैं फिर जाते हैं, नेता पैसे देते हैं, पर यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुद लोग पैसे लगाएंगे और रैली में अरविंद केजरीवाल के विचार को सुनने के लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, यही लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। लोग पुराने नेताओं से तंग आ चुके हैं, पुराने नेता क्या पैसे बटोरते हैं और नेताओं को लोगों को पागल बनाते हैं, अब वही लोग नेता खुद बनने आए। जो लोग पहले नेताओं को बनाते थे अब वो खुद नेता बनने शुरू हो चुके हैं। इससे नेताओं के अंदर नेता डर चुके हैं कि ये नेता बन गया हमारा क्या होगा। अब इंद्री के लोग जाग चुके हैं, जागने के कारण आप देखना कुरुक्षेत्र के अंदर भारी संख्या में इंद्री से हजारों की संख्या में गाड़ियां अनाज मंडी के अंदर इंद्री अनाज मंडी से रवाना होगी और कुरुक्षेत्र के लिए पहुँच जाएगी। आपने बड़ी बात की कि इंद्री के जो लोग हैं वो पुराने नेताओं से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, किस रूप में ऊब चुके हैं इधर समझाइए हमारे दर्शकों। वो नेताओं को पागल बढ़ाते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी सहानुभूति किसी के नाम पे, लोग उनको वोट देते हैं कि एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। जो बच्चे उनको मौका दे रहे थे आज 15 साल हो गया उन्होंने, उनका तो रोजगार ही छिन गया, ना उनको नौकरी मिली, ना अब भी कह रहे हैं हमारे को मौका दे दो। किस लिए उनको मौका दे दे, मौका देने का तो अब उनका काम बनता ही नहीं है, क्योंकि अब तो उनका टाइम आ गया युवाओं का नेता बनने के लिए। नौकरी रही नहीं तो अब नेता तो वही बनेंगे ना, नेता बनेंगे कम से कम काम तो कुछ कर सकेंगे। अब वो नेताओं नौकरी के नाम पर लोग बच्चों को बताते थे कि तेरे को नौकरी लगा दूंगा, तेरे को नौकरी, आज तक 15 साल के अंदर कौन सा बच्चा नौकरी लगाया? आप देख लो बड़े बड़े नेता वादा करके चल गए, पहले आजाद लड़े, फिर दूसरी पार्टी बदल दी, आज फिर कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में जाएंगे, हम इस पार्टी में जाएंगे, कि लोगों को पागल बना रहे हैं। 5-10 आदमी उनके पास, वही लोगों को गुमराह करते हैं कि उसका नारा लगाओ, उसका नारा। हम कहते हैं कि आप उसका नारा छोड़ो, उसका नारा अपना नारा पकड़ो कि खुद नेता बनूंगा। जब खुद नेता बनेंगे तो लोग अपने आप ही जागरूक होंगे और इन नेताओं की नींद आराम हो चुकी है। इंद्री के अंदर ऐसा हो चुका है, इंद्री के अंदर हो चुका है, लेकिन इंद्री में इस समय आम आदमी पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए कितने काम हो रहे हैं, पूर्ण जी जरा बताइए। देखिए आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता मीटिंग थी पहले 8 तारीख की थी, उसमें हमारे सांसद आए थे गुप्ता जी, तो उन्होंने उस दिन कहा था कि भाई यहाँ से रैली में कितने आदमी आएंगे। उन्होंने थोड़ा सा जायज़ा लिया, हमारे इंद्री से हज़ारों की संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे और पूरे दल बल के साथ जाएंगे। हमारी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, बदलेगा हरियाणा के नाम से हमारी रैली का नाम रखा गया है। वैसे तो दूसरी सरकारें भी जैसे बीजेपी है, प्रगति रैली भी रखी अब खट्टर साहब ने। प्रगति क्या हुई, यमुनानगर के अंदर 50 लाख रुपए लूट के ले गए, बैंक के सामने से गोली मार के चले गए। बीजेपी के राज में तो ये प्रगति हो रही है, और तो प्रगति कुछ है नहीं। अच्छा सरेआम दिन दहाड़े पुलिस वाले को गोलियां मारी जा रही है, आप पकड़े आज तक नहीं गए। तो 2 लड़के एक वहाँ वाल्मीकि के मारे उन लोगों ने, वे आज तक पकड़े नहीं गए। तो ये प्रगति हो रही थी बीजेपी की, और तो कोई प्रगति हमें दिखती नहीं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के हल्का इंद्री के, सभी गांव में जा जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि 29 तारीख को बदलेगा हरियाणा रैली में जाने के लिए। और हम सब तन मन और धन से लगे हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, तो हम उन सब का धन्यवाद तो करेंगे ही बाद में,
जो हमारे साथ जाएंगे। बाकी मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि वे तन मन धन से लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। वे 29 तारीख की रैली हमारी सफल हो और 2 लाख के करीब वहाँ से हमारे कार्यकर्ता जाएंगे पूरे हरियाणा रैली में। हाँ। यानी रैली में दावा कर रहे हैं 2 लाख जाएंगे। हाँ, इंद्रिय हल्के में आप लोग निरंतर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, लोगों को आप किस तरह से आपको उत्साह मिल रहा है, किस तरह से लोग आपके पास वहाँ जाने के लिए विश्वास कर रहे हैं, किस तरह से आपको यकीन दिलवा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों की भावनाओं को लेकर के? लोगों की भावनाओं को लेकर देखें, मैं अपना बताता हूँ जी, मैं जिन लोगों के पास गया अब तक 40 गाड़ियाँ उन लोगों ने उन्हीं का तेल सारा खर्चा उन्हीं लोगों का है, बड़ा पूरा उत्साह। और जो मोटरसाइकिलों वाले बच्चे हैं भैया, मोटरसाइकिलों में अपने व्हीकल से जाएंगे उनकी अलग बात है, वो तो गिनती में नहीं है हमारी। बाकी यहाँ से इंद्री से बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग जाएंगे जी। अच्छा, ये जो इंद्री का छोटी सी बात ये भी कर लें, आप लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, जो ये सरकार है इस सरकार के काम को लेकर के कितने लोग नाराज हैं, खुश हैं, क्या आप लोगों को बता रहे हैं, जरा थोड़ा सा बताना चाहेंगे? वो ये सरकार से कहते हैं भाई बिना पैसे के आज भी कोई काम नहीं होता, जबकि सरकार ने कहा था आप ना पर्ची और ना खर्ची है, आप बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता। आप लोगों ने देखा भी, ये लोग झूठ बोलते हैं। प्रधान हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था भाई 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, नहीं दी। 15-15 लाख दूंगा, नहीं आए। बुलेट ट्रेन चलेगी, नहीं चली। और स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी देखिए, जब मैं गांव में रहता हूँ मेरा तो गांव स्मार्ट चाहिए, सिटी तो बनाने की दूर की बात है। जो स्मार्ट सिटी बनाऊंगा था वो गाँव में भी नहीं बने, इनका तो कुछ भी नहीं हो रहा जी। और फिर दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि पिछले साल जो पंचायतों की ज़मीन की नीलामी हुई थी, वे पैसे सारे हड़प करके 1 चवन्नी नहीं दी, उधर आज तक 2 साल के ग्रांट नहीं दी, अब फिर पंचायत की जमीन की नीलामी है, अब फिर सारे पैसे हड़पने के चक्कर में है। इन्हें तो पैसा चाहिए बीजेपी है नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ और भी आप लोगों से हम जानना चाह रहे हैं, ये जो रैली हरियाणा बदलेगा के नाम से रखी गई है, आखिर क्यों बदलना चाह रहे हैं आप हरियाणा को? क्या अब हरियाणा में काम नहीं हो रहा? सरकार तो बहुत सारी बातें कर रही है, बहुत सारे दावे कर रही है, ईमानदारी से काम हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है, नौकरियां जो पारदर्शिता है लग रही हैं, बिना पैसे बिना खर्ची के लग रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है फिर क्यों ऐसा बदलने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? आम आदमी पार्टी हमारे जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बदलना चाह रहे, सबसे पहले तो हमें शिक्षा चाहिए। जब हमारे बच्चे को शिक्षा मिलेगी वो तभी हमारा उद्धार होगा। उसके बाद हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। अब हमारे इंद्री के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल तो बनाए थे, उसमें डॉक्टर ही नहीं है, बताओ क्या करेंगे जी? झूठ बोलते हैं, नौकरियां मिलती नहीं। जो पेपर बच्चे दे के आते हैं, पेपर देने के बाद जब हॉस्टल निकलते हैं बाहर, तो बाद में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। और कुछ माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए भेजते हैं, उससे आशाएँ होती हैं अपने बच्चे से, भाई मेरा बच्चा आज पेपर देने के लिए जा रहा है, और वो वहाँ से पता आता है कि बस पलट गई, उसके घर में मातम छा जाता है। ये तो सरकार का हाल है। सरकार को लेकर के क्या सोच रहे हैं ये आप सुन रहे हैं, लेकिन लोगों में इस सरकार को लेकर के इतने नाराजगी क्यों है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, एक तो भ्रष्टाचार ज़्यादा है जी इस राज्य में, बेरोजगारी है जी इस राज्य में, कोई विकास नहीं है इस राज्य में। और इस पार्टी के राजकाज को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल जी को पसंद कर रही है हरियाणा की जनता, और भारी जनसंख्या जुड़ेगी कुरुक्षेत्र में, भारी भीड़ होगी, अच्छी सफल रैली होगी। इस रैली को लेकर के आप लोगों में कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? आपको कितना उत्साह है? बहुत खुश है जनता, खुश जाएगी जनता केजरीवाल जी के विचार सुनने के लिए, क्योंकि और भ्रष्टाचार नहीं उनके राज में। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा तो कहना ही है जी, हम ना कम से कम भी 10 बार तो हमने वोट डाल ली MLA की, MPO की, आज तक जितनी पार्टियों की सरकारें आई जो वादे करे कोई वादा पूरा नहीं उतरे, अपना अपना भला करा सरकारों ना, MLA ना, मंत्रियों ना, जनता भाड़वा जो इतने परेशान है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, जनता महंगाई ते त्रस्त है। एक बच्चे की फीस 4,000 रुपये कौन दे सकता है? जो टीचर लग रहे स्कूलों में वे अपने बच्चों ने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे, और अपने 1-1 लाख रुपये 80-80 हज़ार रुपये सैलरी आए जो टीचरों की, वे अपने बच्चों ने नहीं पढ़ाना पसंद करते सरकारी स्कूलों में, ना सरकारी स्कूलों में इलाज कराना पसंद करते। जो डॉक्टर लग रहे 2-2 लाख रुपये CMO MBBS MD, ये जनता कोई इलाज नहीं है, कोई अनदेखी है, कोई सुविधा नहीं है, कल्पना चावला हो कोई सस्पताल हो,
अच्छा जो बड़े प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज नहीं पुगता जी हमारे पास 500 रुपये पर्ची है कोई इलाज करवाने के जवाब पान कुछ अपील कर रहे हैं आप लोगों से। हम सभी गांव-गांव में जाके सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है और लोगों मन भी बना चुके हैं कि अब हरियाणा बदलेगा। क्यों लोग जो हैं सभी सरकारें जो आज तक बनी हैं किसी ने भी शिक्षा चिकित्सा महिला सुरक्षा करप्शन फ्री एनवायरनमेंट पे काम नहीं किया। तो मैं सभी साथियों से और जिनसे भी हम मिल रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा केजरीवाल जी की 29 मई की जो रैली है सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचे और इस बदलाव के अंदर कुरुक्षेत्र में जाकर संकल्प लें कि हम ऐसा संकल्प लें जिसके अंदर सभी साथी हरियाणा की राजनीति को परिवर्तन की तरफ लेके चल सकें। जी मेरी इंद्रिय हल्के की जनता से अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले आपको अच्छे अस्पताल मिले आपके बच्चों को रोज़गार मिले तो आप सभी महिलाओं सहित बुजुर्गों सहित भारी से भारी संख्या में कुरुक्षेत्र 29 मई को होने वाली रैली में पहुँचे क्योंकि अगर आपको सभी ये सुविधाएँ चाहिए तो आपको हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मजबूत करना होगा और आम आदमी को मजबूत करने के लिए 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली में भारी से भारी संख्या में भाग ले। जय हिंद। आपने सुना आम आदमी पार्टी की जो बैठक थी उसमें पदाधिकारियों के विचारों को और ये आह्वान जो किया गया था इस आह्वान को आप लोग कितना सक्सेस करेंगे कितना सफल करेंगे ये तो 29 तारीख बताएगी। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं उनका उत्साह बढ़ा हुआ है क्योंकि जहां भी वो जा रहे हैं जैसा बता रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जहां वो जा रहे हैं उनको लोगों का विश्वास मिल रहा है वहां रैली में जाने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल होने का विश्वास उनको मिल रहा है और निरंतर लोग यह महसूस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के वो अपने क्षेत्र का अपने प्रदेश का भला कर सकते हैं और आम आदमी की सरकार बना सकते हैं। ये बदलाव 29 तारीख को हो पाएगा उसका संकल्प कितना लोग ले पाएंगे ये वक्त बताएगा लेकिन तैयारियां पूरी चल रही हैं। इन तैयारियों को और जितना मजबूती के साथ ये आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सफल कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा लेकिन तैयारियों का जोश और उत्साह आपको भी विवश कर देगा कि 29 तारीख को होगा क्या क्या होगा ये हम 29 तारीख को भी आपको बताएंगे और आपको मिलवाते रहेंगे लोगों से कार्यकर्ताओं से दूसरे दलों के लोगों से भी आपको मिलवाते रहेंगे कि आखिर ये राजनीतिक जो हालात हैं वो किस तरफ मुड़ रहे हैं किस तरफ चल रहे हैं। आप देखते रहिए जनता का। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।